केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के दिल्ली कूच पर निकले हैं। गुरुवार को इनका दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती व बैरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। अम्बाला हाईवे पर रोके जाने के दौरान बुधवार को किसानों की पुलिस से झड़प हुई। 100 किसान हिरासत में लिए गए। क्षेत्र में द्वारा 144 लागू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली कूच में 1,00,000 किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है। किसान ने चेतावनी दी है कि ये उन्हें रोका गया तो वह दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते जाम कर देंगे। इधर किसान को दिल्ली आने से रोकने के लिए गुरुवार को दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है। दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद समेत NCR के सभी शहरों को जोड़ने वाली लाइनों पर बॉर्डर के 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी।